नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा आज है। हरिद्वार में हुए जलभराव की समीक्षा करेंगे। इस वक्त ये अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार का दौरा है आज उनका। हरिद्वार में हुए जलभराव की समीक्षा करेंगे। बारिश के चलते आपदा राहत बचाव की कार्य की समीक्षा करेंगे। उच्च अधिकारियों के साथ विचार विमर्श भी करेंगे। अधिकारियों से प्रगति रिपोर्ट मांगी गई है। मुख्यमंत्री धामी खुद कार्य समीक्षा करेंगे। तो इस वक्त अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार दौरे पर हैं। हरिद्वार में हुए जलभराव की समीक्षा करेंगे। भारी बारिश के चलते आपदा राहत बचाव कार्य की समीक्षा करेंगे। उच्च अधिकारियों के साथ इस दौरान विचार विमर्श भी करेंगे और अधिकारियों से प्रगति रिपोर्ट भी मांगी जाएगी। इस वक्त अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। हरिद्वार दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। उच्च अधिकारियों के साथ विचार विमर्श करेंगे। अधिकारियों से प्रगति रिपोर्ट मांगी जाएगी। इसकी समीक्षा खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। भारी बारिश के चलते आपदा राहत बचाव कार्य की समीक्षा करेंगे। हरिद्वार में हुए जलभराव की समीक्षा करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। इस दौरान लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हरिद्वार में आज पुष्कर सिंह धामी का दौरा है, जिसके चलते वो जलभराव के दौरान समीक्षा करेंगे। भारी बारिश के चलते राहत बचाव कार्य के भी जानेंगे। इस दौरान वो उच्च अधिकारियों के साथ विचार विमर्श करेंगे और अधिकारियों से प्रगति रिपोर्ट भी मांगी जाएगी। इसकी समीक्षा खुद पुष्कर सिंह धामी करेंगे। तो अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। हरिद्वार दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। इस दौरान वो जलभराव की समीक्षा करेंगे। हरिद्वार में जलभराव की समीक्षा करेंगे। भारी बारिश के चलते आपदा से राहत बचाव कार्यों की भी समीक्षा करेंगे। तो इस वक्त अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर रहेंगे। बारिश से जलभराव के राहत और बचाव कार्य की समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही अधिकारियों के साथ वो समीक्षा बैठक भी करेंगे। मैं इस खबर में ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर विकास चौहान संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास चौहान, हरिद्वार दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, पुष्कर धामी आज हरिद्वार दौरे पर हैं। इस समय हरिद्वार वो पहुंच चुके हैं और जहां जो राज्य अतिथि गृह धाम कोठी है, वहां पर अधिकारियों के साथ वो समीक्षा बैठक इतना यहां पर कर रहे हैं। जिससे जिस तरह से लक्सर और खानपुर क्षेत्र में पिछले दिनों बाढ़ की स्थिति बनी थी और काफी बड़ा नुकसान यहाँ पर हुआ था, और उनमें क्या क्या जिस तरह से मुख्यमंत्री ने खुद वहां का निरीक्षण करके अधिकारियों को आदेश दिए थे जल्द से जल्द सुविधाएं देने की, ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देने की, और तमाम जिस तरह से वहां पर स्थितियां बिगड़ी थी उनको सुधार करने की, तो उसकी आज समीक्षा करने खुद मुख्यमंत्री हरिद्वार पहुंचे हैं। और अधिकारी आज इसमें बैठक यहाँ पर अभी अभी बिल्कुल उसमें यहाँ पर शुरू हुई है। जो राज्य अतिथि गृह वहाँ पर मुख्यमंत्री फिलहाल अधिकारियों के साथ यहाँ बैठक कर रहे हैं। जी विकास, सीएम पुष्कर सिंह धामी अधिकारी से प्रगति रिपोर्ट भी मांगेंगे? जी बिल्कुल, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने आदेश दिए थे, क्योंकि दो दिन के अंदर ही मुख्यमंत्री ने खुद जो प्रभावित क्षेत्र है वहां का दौरा किया था, हवाई दौरा भी किया था, और साथ ही बोट में बैठकर लोगों के साथ वार्ता की थी कि उनको किस तरह से की दिक्कतें वहां पर हो रही हैं, और जिसके बाद मुख्यमंत्री के आदेश पर जो पूरा जिला प्रशासन था वो वहां पर लोगों की सुविधाओं के लिए लग गया था। वहीं आज इस बैठक में तमाम जो विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं और जिला पंचायत सदस्य हैं, वो लोग यहाँ पर शामिल हैं अधिकारियों के साथ। और इस समय जो क्षेत्र की जो जिस तरह से बाढ़ वाली क्षेत्र, चाहे वो हरिद्वार शहर में कई जगह ऐसी थी जहां पर जल भराव हुआ था, वहीं लक्सर और खानपुर क्षेत्र में, खासतौर खानपुर और लक्सर का जो तराई वाला क्षेत्र है वहां पर बाढ़ के
आ गई थी, जिस कारण से मुख्यमंत्री को वहां का दौरा करना पड़ा, जिसके बाद जो प्रभारी मंत्री हैं उन्होंने भी यहां का दौरा किया, जिस कारण आज मुख्यमंत्री यहां जो अधिकारियों का समीक्षा बैठक इस समय कर रहे हैं कि अधिकारियों के द्वारा क्या क्या कार्य किए गए और क्या शेष हैं जिनको जल्द उनके आदेश हैं कि उनको जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए। विकास, जलभराव की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन प्रशासन को अलर्ट निर्देश दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक काम नहीं हो पा रहा है। ये बिल्कुल, जिस तरह से दो तीन दिन जिस तरह से पहले लगातार वर्षा हुई, जिस कारण से कार्य में बाधा लगातार हो रही थी कि जिस तरह से लोगों को जो सुविधाएं देनी थी उनमें कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना जिला प्रशासन को करना पड़ रहा, लेकिन जिसके बाद पिछले दो दिनों से तीन दिनों से यहाँ पर वर्षा ने थोड़ा राहत दी है और जो राहत कार्य है उनमें तेजी आई है। हालांकि जो स्थानीय जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं वो भी आगे आई थी, उन्होंने भी उस क्षेत्र से जो बाढ़ वाले क्षेत्र हैं उनके जो लोग नागरिक हैं उनके लिए यहाँ पर जो सुविधाएं जो खाने भोजन की व्यवस्था थी वो यहाँ पर की थी, लेकिन जिस तरह की मूलभूत सुविधाएं जो जिला प्रशासन के द्वारा की जानी है वो जिला प्रशासन के द्वारा लगातार की जा रही है। हालांकि कई जो क्षेत्र हैं जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका लगातार यह कहना है कि जो पर्याप्त मात्रा में सुविधाएं होनी थी वो अभी तक नहीं हो पाई है, तो उसके लिए मुख्यमंत्री खुद अब यहाँ पहुँच कर उन्होंने समीक्षा यहाँ पर बात कर रहे हैं कि किन कारणों से कुछ जो व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही है वो क्यों नहीं हो पा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री ने पहले भी स्पष्ट कहा था कि जल्द से जल्द और अधिक से अधिक सुविधाएं उस क्षेत्र के लोगों के लिए की जाएं। जी, तो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिन्हा में हरिद्वार में हुए जलभराव की समीक्षा करेंगे। तमाम जानकारी साझा करने के लिए विकास आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उधर पहाड़ों पर मॉनसून आफत बनकर बरस रहा है। उत्तराखंड और हिमाचल की बारिश के बाद भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं। कई सड़कें बंद हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले के लगभग सभी हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है, इस कारण बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग भी बंद है। बता दें चमोली में देर रात हुई मूसलाधार बारिश की वजह से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे 7 से ज्यादा जगहों पर बंद है। कर्णप्रयाग, छिनका, पीपलकोटी, टंगली, पागल नाला, बेलाकूची, गोविंद घाट, खचड़ा नाला और कंचन गंगा में इस समय बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है, जिसे खोलने प्रशासन की टीम जुटी गई है। तो पहाड़ों में इस बार आफत की बारिश जारी है, लगातार लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस समय बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है। तो वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दीपक शाह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक शाह, पहाड़ों पर इस बार आफत की बारिश बरस रही है। ये दिखा जरूर कि पिछले कुछ समय से पहाड़ों में लगातार जमाझम बारिश का दौर है, ऐसे में जगह जगह भूस्खलन और भूदशाओं की घटनाएं हो रही हैं। बात की जाए तो कर्णप्रयाग सहित आसपास के इलाकों में कल लगातार बारिश हुई। वहीं जो मोटर मार्ग है, जो नेशनल हाईवे है कर्णप्रयाग और गैसर, वो काली माटी के पास जो इस कवर का एक बड़ा हिस्सा है वो बह गया था, जिससे कि यहाँ पर आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। और ये नेशनल हाईवे है रानीखेत कर्णप्रयाग, जो व्यस्त मोटर मार्ग है, जिस कारण यहाँ पर काफी वाहनों का आवागमन होता है, ऐसे में यहाँ पर आवागमन पूरी तरह से ठप पड़ गया है। जी दीपक, प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई की गई अभी तक? जी प्रशासन की बात कीजिए, ग्रामीणों द्वारा इसकी जैसे सड़क बहने की सूचना यहाँ पर प्रशासन को दी गई और एनएच के अधिकारियों को दी, तो उसके बाद से प्रशासन द्वारा एनएच को फोन के माध्यम से सूचित किया और तुरंत यहाँ जो नेशनल हाईवे है इसको सही करने के निर्देश यहाँ पर दिए हैं। ऐसे में अब एनएच की मशीनों द्वारा यहाँ पर नेशनल हाईवे को फिर से आवागमन के लिए सही करने की कोशिश की जा रही है। तो दीपक, लगातार बारिश के चलते कई रास्तों पर हादसे की खबरें सामने आई हैं, तो इसको लेकर प्रशासन की तरफ से अभी तक क्या गाइडलाइंस जारी की गई हैं? जी प्रशासन की बात की जाए तो जिस प्रकार से बारिश हो रही है, तो ऐसे में प्रशासन द्वारा और प्रशासन पुलिस के सहयोग से लगातार जगह जगह यहाँ पर नदी किनारे जो लोग रह रहे हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। लाउड स्पीकर के माध्यम से लगातार लोगों को अलर्ट किया जा रहा है कि जो नदी किनारे लोग हैं, जो भूस्खलन प्रभावित लोग हैं, उनको सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कह रहे हैं। यदि ऐसे में जगह जगह हाईवे बंद हो रहा है या सड़कें बंद हो रही, तो ऐसे में जो यात्री हैं, जो स्थानीय लोग हैं, जो वाहन चालक हैं या जो सवारी हैं,
उनको खाने पीने की व्यवस्था या पानी की व्यवस्था प्रशासन द्वारा लगातार की। तमाम जानकारी साझा करने के लिए दीपक शाह आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस बात अहम जानकारी निकल के सामने आ रही है। देहरादून से जहां उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम का अलर्ट जारी है, आज और कल 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 2 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग और जिला प्रशासन ने ये अलर्ट जारी किया है, जिसमें देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार में भारी बारिश का आशंका जताई गई है। नैनीताल, चंपावत और ऊधम सिंह नगर जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो इस वक्त की अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। 2 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम का अलर्ट है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभय कैंत्रा जुड़ चुके हैं। अभय कैंत्रा, 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जी बिल्कुल, मौसम विभाग ने अगले 7 जिलों के लिए अगले 2 दिन का अलर्ट यहां पर जारी करा है। ऑरेंज अलर्ट यहां पर मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश का जारी किया गया है, जिसमें खासतौर पर देहरादून, पौड़ी, इंदौर, बागेश्वर, उधम सिंह नगर, हरिद्वार इन जनपदों के लिए अलर्ट यहां पर जारी है। साथ में जिला प्रशासनों को एहतियात बरतने के लिए यहां पर कहा गया है, क्योंकि उत्तराखंड में आसमान से इस बात की अहम जानकारी आपके साथ साझा करें। देहरादून में मिले हैं डेंगू के 5 नए मरीज, एक्टिव केस का आंकड़ा पहुँचा है 17। अब तक जिले में 67 मरीज मिले हैं डेंगू के। लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है, मरीजों की संख्या 67 पहुंच चुकी है। तो लगातार उत्तराखंड में डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं। देहरादून में डेंगू के 5 नए मरीज मिले हैं, एक्टिव केस का आंकड़ा 17 पहुंच गया। अब तक जिले में 67 मरीज मिले हैं डेंगू के। लगातार बढ़ रहे हैं डेंगू के मरीजों की संख्या, जिसके चलते लगातार प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लोगों को सतर्क रहने के भी कहा गया है। तो आपको बता दें, देहरादून में डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है। डेंगू के 5 नए मरीज मिले हैं, एक्टिव केस का आंकड़ा 17 पहुंचा है। अब तक जिले में 67 मरीज मिले हैं डेंगू के। लगातार डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। वहीं इस खबर में ज्यादा जानकारी के तुषार गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तुषार, क्या जानकारी निकल के आ रही है, देहरादून में अभी तक 5 डेंगू के नए मरीज मिले हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से डेंगू की जो फैलने की लगातार बढ़ती जा रही है, और जिसके कारण काफी तकलीफें लोगों को पड़ रही है। अभी आज की गुरुवार की बात की जाए तो 5 नए मरीज मिले हैं, और पूरे जो देहरादून की बात की जाए तो 17 एक्टिव केस अभी भी देहरादून में है। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग और साथ नगर निगम के लिए एक चौंकाने वाला ये आंकड़ा हो सकता है। और लगातार जो नगर निगम है, स्वास्थ्य विभाग है, लगातार इसमें नजर बनाया हुआ है। जो ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है, चाहे वो धर्मपुर हो या उसके आसपास के क्षेत्र हो, तमाम क्षेत्रों में जो संवेदनशील क्षेत्र है वहां पर ड्राइव चला रहा है, अभियान चला रहा है, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, और साथ साथ साफ सफाई करने के लिए भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वहीं स्कूलों के बच्चों को भी एक जागरूक किया गया है, उन्हें ये सूचना दी गई है कि कृपया पूरे कपड़े पहन के आए, फुल स्लीव्स की जो शर्ट्स है वो पहन के आए, क्योंकि डेंगू लगातार फैल रहा है और लगातार कई क्षेत्रों को हाई अलर्ट पर भी लिखा गया है स्वास्थ्य विभाग ने। तो बात की जाए तो अब तक 60 से अधिक देहरादून में डेंगू के एक्टिव केस आ चुके हैं, जिसमें अभी 17 एक्टिव केस है। तो अभी के आंकड़ों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो इस बार का डेंगू लगातार फैलता हुआ नजर आ रहा है, वो सरकार के लिए और साथ साथ विभागों के लिए एक चिंता में हो सकता है, और लगातार इस पे नजर भी बनाई जा रही है। वहीं अगर बात की जाए इन 5 मरीजों की, तो 2 दून अस्पताल में, 2 महंत जो इंद्रेश हॉस्पिटल है, और साथ साथ एक जो अन्य है वो कॉर्नेशन हॉस्पिटल में एडमिट है। तो जो जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनमें तमाम चीजें या फिर व्यवस्थाएं रखी गई हैं। फिलहाल जो ये आंकड़ा है 17 तक पहुंच गया है। एक कह सकते हैं कि पॉजिटिव न्यूज भी है कि अब तक डेंगू के कारण किसी की भी मौत नहीं हुई है, तो ये एक अच्छी खबर है। लेकिन जिस तरह से डेंगू अपने पैर फैला रहा है, उससे कहीं ना कहीं चिंता का विषय बनता है। जी तुषार, प्रशासन की तरफ से क्या गाइडलाइंस इसको लेकर जारी की गई हैं? गाइडलाइंस की बात की जाए तो लगातार नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग जगह जगह जाकर लोगों को जागरूक कर रहा है, और ये कह रहा है कि तमाम साफ सफाइयां अपने घर पे रखें, और साथ साथ जो मच्छर मारने की दवाइयां भी है उसका भी यूज किया जा रहा है,
ताकि जो डेंगू जैसे मच्छर हो उन्हें खत्म किया जा सके, और साथ साथ लोगों को ये जागरूकता के, क्योंकि डेंगू एक ऐसी चीज है जिसे जागरूकता से ही लोग हराया जा सकता है, और उसी के तहत लोगों को जागरूक किया जाए, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, या फिर पंचायती घर हो, या फिर लगातार जितने भी मोहल्ले में संवेदनशील क्षेत्र हो वहां पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है माइक से अनाउंसमेंट करके कि डेंगू से। देहरादून में लगातार डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है, डेंगू के नए 5 मरीज मिले हैं, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। तो तमाम जानकारी साझा करने के लिए तुषार गुप्ता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उधर मणिपुर में हो रहे दंगों की आग अब उत्तराखंड की राजनीति में देखने को मिल रही है। कांग्रेस महिला नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्री 3 महीने की नींद से जाग गए हों तो मणिपुर की शांति व्यवस्था मनाने में जुट जाएं। दरअसल सोशल मीडिया पर एक मणिपुर का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। अंदाज में उन्होंने कहा, आरोप लगाया कि जिसमें 2 महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया जा रहा है, जिसको लेकर बृहस्पतिवार को नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया था। अब दोषियों की कड़ी सजा दिलाने की बात भी कही थी, लेकिन अब कांग्रेस समेत विपक्षी दल मणिपुर में 3 महीने से अधिक हो रहे दंगे पर अपना आक्रोश भारत सरकार को दिखा रहे हैं। माफी योग्य नहीं है, किसी कीमत पर मोदी सरकार माफ करने लायक है ही नहीं। पहले तो आपने 3 महीने से सुलगते जलते मणिपुर को अनाथ छोड़ दिया, जैसे मणिपुर देश का हिस्सा हो ही नहीं। आपको दुनिया जहान की फिक्र पड़ी है, आपको विदेश यात्राओं की फिक्र पड़ी है, आपको कहीं भी देश के कोने में अनहोनी घटित होती है आप तुरंत ट्वीट करते हैं, लेकिन मणिपुर को आपने उसके हाल पर छोड़ दिया। आपने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी, आपके सरकार के किसी नुमाइंदे ने चुप्पी नहीं तोड़ी। आज आपकी स्मृति ईरानी भी जाग रही हैं, आप भी जाग रहे हैं, जब वहाँ 2 महिलाओं के साथ इस तरह से सार्वजनिक तौर पर उनको निर्वस्त्र कर घुमाया गया है, एक तरह से उनका बलात्कार हुआ है, केवल शारीरिक ही नहीं मानसिक तौर पर भी उत्पीड़न हुआ है उन महिलाओं का, और आज आपकी जुबान खुल रही है। उधर बागेश्वर विधानसभा सीट के उपचुनाव की अभी तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन पार्टियां तैयारी में जुट गई हैं। कांग्रेस इस सीट पर पूरे दमखम के साथ लड़ने की बात कह रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस 16 साल से इस सीट पर जीत का स्वाद चखने के लिए छटपटा रही है। हालांकि प्रत्याशी कौन, इस विषय पर पार्टी के नेता कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ कयासबाजी है। कांग्रेस की तैयारी के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह विष्ट भी सशक्त प्रत्याशी उतारने की बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस उपचुनाव में पूरी ताकत झोंकेगी। कांग्रेस बागेश्वर सीट पर लगातार 4 चुनाव हार चुकी है, ऐसी परिस्थिति में शासक प्रत्याशी की बात सियासी हलकों में मायने रखती है। वहीं दूसरी ओर इसको लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता बीरेन्द्र सिंह विष्ट का कहना है कि कांग्रेस के पास बागेश्वर चुनाव के लिए कोई प्रत्याशी नहीं है, इसलिए आने वाले चुनाव में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ बागेश्वर का चुनाव जीतेगी। जरूरत नहीं है, चुनाव होगा, रिजल्ट आएगा तो भाजपा को जो वहां पर उनकी हकीकत तो वो पता लग जाएगी। कांग्रेस पार्टी बागेश्वर में बहुत मजबूत है, जमीनी स्तर पर भी मजबूत है, और जनता के अंदर भी कांग्रेस के प्रति सकारात्मक रवैया है। निश्चित तौर पर बागेश्वर का उपचुनाव प्रचंड बहुमत के साथ, बागेश्वर उपचुनाव निश्चित रूप से सामने है, चुनाव आयोग के द्वारा उसकी घोषणा की जानी है। हम संगठनात्मक रूप से मजबूत हैं, और जहां तक विपक्ष का है तो विपक्ष कहीं दिखाई नहीं दे रहा है उपचुनाव में। आपने चंपावत में भी देखा होगा, दूसरी जगहों भी देखा होगा, सबसे बुरी हार कांग्रेस की हुई है। बागेश्वर में भी कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं देगी। कांग्रेस सिर्फ फेस सेविंग के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा करना चाहती है, लेकिन उस फेस सेविंग में भी उनके पास कोई कार्यकर्ता खड़े होने के लिए नहीं है। और जब उस कार्यकर्ता को मालूम है कांग्रेस के कि उसको हारना ही है और बुरी तरीके से हारना है, इसलिए कांग्रेस के कोई भी कार्यकर्ता हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है बागेश्वर उपचुनाव में चुनाव लड़ने की। कमलस्कर से बाढ़ के पानी में बहकर खतरनाक जलीय जंतु आबादी क्षेत्र पहुंच रहे हैं। बता दें कि लक्सर के इस्माइलपुर गांव की आबादी क्षेत्र से सटे एक नाले में विशालकाय मगरमच्छ दिखने से ग्रामीणों में दहशत बन गई है। जहां रात भर ग्रामीणों ने मगरमच्छ को रस्सी से बांधकर वन विभाग को सूचना दी, वन विभाग को रात में रेस्क्यू की परमिशन न मिलने से रात में रेस्क्यू नहीं हो पाया। सुबह को परमिशन मिलने के बाद ग्राम प्रधान विकास सैनी की सूचना पर वन विभाग के कविंद्र सैनी, विस्ट प्रभारी गुर्जन उपनाल, कर्मी भोपाल आदि ने मगरमच्छ का सफल रेस्क्यू कर गागा नदी में छोड़ दिया इसे। तो 12 बजे 12:30 बजे गांव से सूचित किया, जैसे मैं मौके पर आया और ग्रामीणों के साथ इसको पकड़ने की कोशिश की,
और बहुत मुश्किल से ये पकड़ा गया। उसके बाद वन विभाग की टीम को भी फ़ोन किया, एसडीएम साहब को भी फ़ोन किया। एसडीएम साहब ने टीम की व्यवस्था होने के कारण ना होने का आने का हवाला देते हुए कहा, और फिर रात ही पकड़ के डाला फिर ग्रामीणों ने साथ लगकर। और फिर व्यस्त हुए टीम आई, इसमें कविंदर भाई के साथ के नीचे सभी अधिकारी लोग थे, वो सब ने पकड़ के अभी प्रयास करके किसी को किसी प्रकार। बरसात के मौसम में उत्तराखंड के सभी प्रभारी मंत्री अपने अपने जिलों में स्थिति को लगातार समीक्षा कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने चमोली जिले की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर सभी जिलाधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है और वे मौसम विभाग की चेतावनी के आधार पर अपने जिले में कार्रवाई कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस समय प्रदेश के कई क्षेत्रों में स्थिति ठीक है और जहां पर सड़कें टूटी हैं उनको दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद प्रदेश स्तर पर लगातार समीक्षा भी की जा रही है और दिशा निर्देश भी अधिकारी को दिए जा रहे हैं। देखिए, बरसात में स्थानीय स्तर पे जिलाधिकारी को जो है नोडल बनाया गया है कि अगर किसी भी जिले में अगर बरसात ज़्यादा दिक्कत करती है, आपदा में अगर कोई रास्ते खराब होते हैं तो जिलाधिकारी स्थानीय आधार पे छुट्टी भी करा सकते हैं। और अभी स्टेट के स्तर पे हमने देखा कि मैं चमोली का प्रभारी भी हूँ तो मैंने कल चमोली की समीक्षा बैठक भी की है तो वहाँ की सड़कें भी ठीक हैं। वहाँ एक ही पुल जो जुमा का पुल टूटा है, बाकी NH जो है शुरू हो गया है। वहाँ पे कल श्रीनगर में भी जो हमारा रुद्रप्रयाग का NH है उसमें भी 3 घंटे तक रोड ब्लॉक रही, लेकिन वो भी खुल गया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी महाराज भी पाकिस्तान में पबजी से हुए प्रेम के चलते नेपाल होकर भारत आई सीमा हैदर के भारत के एक युवक से प्रेम पर सवाल खड़ा करते हुए जांच किए जाने की वकालत की ताकि ये पता लगा सके कि हैदर सीमा हैदर प्रेम के लिए भारत आई थी या वह जासूसी के लिए आई है। वहीं साथ ही महंत रविंद्र पुरी ने चमोली में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में करंट फैलने से 16 लोग की मारी मौत की पर गहरा दुख जताया है और सभी दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की है। ये जो सीमा हैदर का इशू है हम भी आजकल देख रहे हैं। मैं समझता हूँ शायद जब से सीमा जी पकड़ी गई है, सीमा हैदर पकड़ी गई है, तब से पूरे मीडिया में पूरे हिंदुस्तान में सीमा हैदर को ही दिखाया जा रहा है। और हमें भी ये समझ नहीं आ रहा ये कौन सा प्रेम है, ये कौन सा प्यार है। 4 बच्चों की जो माँ है उसको एक लड़का जो अपने इधर दादरी नोएडा में रहता उससे प्रेम हो जाता है, तो थोड़ा समझ से बाहर है। इसकी जांच होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सीमा हैदर जो है उसने ये कहा है कि मैं 5 क्लास पढ़ी हूँ, परंतु वो लगता नहीं है, वो लगता है कि उसने BA MA किया होगा, तो इसलिए उसकी जांच होना मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है। देवभूमि समाचार में बस इतना ही, खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।